चुनाव में मिले एक तरफा मुस्लिम वोट। लेकिन भैया को सांड समाचार से फुर्सत नहीं। ओवैसी का अखिलेश यादव पर तंज। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने ट्विटर पर सांड समाचार कैप्शन के साथ ट्वीट किया था, जिसको लेकर अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश भैया ने कहा कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। इस इंसान को पिछले चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ एक तरफा मुस्लिम वोट मिले थे। बीजेपी मुल्क भर में मुसलमानों को हिंसा और नाइंसाफी का निशाना बना रही है, लेकिन भैया को सांड समाचार से फुर्सत नहीं मिलती। ओवैसी ने कहा कि गलती भैया की नहीं है, गलती तो उन बिचौलियों की है जिन्होंने डरे हुए मुसलमानों को गुमराह किया। एक आजाद सियासी आवाज के सिवा हमारा कोई और विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या बढ़ रही है, जिसके चलते अखिलेश यादव राज्य सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें दो सांड लड़ रहे थे। वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा था कि आज के विशेष सांड समाचार का आजमगढ़ प्रकरण। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।